सब्सक्राइब कीजिए गणितीय भैया जी चैनल को और दबाइए घंटे के निशान को ताकि हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश और आप देख रहे हो आपका अपना YouTube चैनल गणितीय भैया जी। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे औसत का पार्ट थ्री और हम इसमें पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो कि अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। यदि किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में एवरेज का चैप्टर आता है तो यकीन मानो ये जो सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बिल्कुल 100% आते हैं, कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव रूप से, एक के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा, मतलब घूम फिरा के यही सवाल एग्जाम में आते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इन सवालों को यदि आप ढंग से समझोगे, पूरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे तो आप बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको दोस्तों। और इसी उम्मीद के साथ में शुरू करते हैं। सवाल में क्या दिया गया है कि 11 परिणामों का औसत 50 है। कोई 11 परिणाम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58,
का औसत, एक से लेकर छह परिणाम का औसत पहले से शुरू से वो कितना है 49 है, तथा अंतिम से लास्ट से यानी 11वां 10वां 9वां ऐसे लास्ट से छह परिणामों का औसत है 52। तो छठा परिणाम ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो सबसे पहले तो हमको क्या दिया गया है वो देखो, 11 परिणामों का औसत 50 है। तो 11 परिणामों का योग कैसे ज्ञात करेंगे? पहले तो 11 परिणामों का योग ज्ञात कर लेते हैं। तो औसत दिया हुआ है तो योग कैसे ज्ञात करेंगे? इस औसत को जितनी संख्याएं हैं जितने परिणाम है उससे गुणा कर देंगे। तो 11 गुणा 50 करेंगे तो 550 आ गया दोस्तों 11 परिणामों का औसत। अब सवाल में क्या दिया गया कि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 है, प्रथम 6। तो प्रथम 6 परिणामों का योग कैसे ज्ञात कर सकते हैं? प्रथम 6 परिणामों का योग यानी कि औसत को गुणा कर देंगे किससे? 6 से, 49 गुणा 6 क्योंकि 6 है। तो ये हो गया 6 9 54 का 4 का हासिल 5, 6 चौके 24 और 5 होते हैं 54, 24 और 5 29। ये आ गया दोस्तों प्रथम 6 परिणामों का योग। इसी प्रकार हम देखते हैं अंतिम 6 परिणामों का औसत दे रखा है कितना? 52। तो अंतिम 6 परिणामों का योग ज्ञात कर लेते हैं। अंतिम 6 परिणामों का योग क्या जाएगा? 52 इंटू 6, ये आ जाएगा 6 दूनी 12 का 2 का हासिल 1, 6 पंजे 30 और 1 31। ही आ गया। अब दोस्तों इसमें हुआ क्या है? देखो ये प्रथम 6 परिणामों का योग है और ये अंतिम 6 परिणामों का योग है। तो 6 परिणाम तो ये और 6 परिणाम ये, कितने परिणाम हो गए? 12। तो इन 12 परिणामों का जब हम योग ज्ञात करेंगे तो ये आ गया 606 आ गया। और ये परिणाम कितने थे? 11। तो हुआ क्या था कि एक परिणाम दो बार काउंट हो गया था। जैसे एक से लेकर 11 तक परिणाम है, जैसे मैं आपको बता देता हूं, पहला परिणाम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, आठवां और नवा, दसवा, ग्यारहवा और ये बारहवा। ये मान लो सॉरी 11 परिणाम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 परिणाम है। अब 11 परिणामों से क्या दिया गया हमको कि प्रथम 6 परिणामों का, प्रथम 6 परिणामों का, तो पहले 6 परिणाम देखो ये रहे, ठीक है। उसके बाद में दिया गया अंतिम 6 परिणामों का औसत। अंतिम 6 परिणाम कितने हो गए? देखो 1 2 3 4 5 6, तो अंतिम 6 परिणाम ये हो गया। तो इसका मतलब इनमें ये छठा जो परिणाम है ना वो दो बार काउंट हो गया। इसलिए आप देख रहे होंगे 11 परिणामों का योग तो कितना आ रहा है? 550। और 12 परिणामों का योग कितना आ रहा है? 606। यानी कि 606 क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें 6 दो बार काउंट हो गया। इसका मतलब छठा परिणाम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, इन जो 12 परिणामों का योग आया 606 इसमें से कितना घटा देंगे? 550 को। तो जब 606 में से आप 550 घटाओगे तो छठवां परिणाम आएगा 56। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। इस सवाल में क्या दिया गया है कि एक कक्षा के 31 छात्रों का औसत भार 30 किलोग्राम है। 31 छात्रों का जो एवरेज वेट है वो दे रखा है 30 किलोग्राम। तो 31 छात्रों का योग कैसे ज्ञात कर सकते हैं हम? पिछले सवाल में मैंने बताया था कि जो औसत को, औसत कितना है? 30। इसको हम गुणा कर देते हैं जितनी संख्या है, कितनी संख्या है छात्रों की? 31। तो इसको हम गुणा करते हैं तो ये आ जाता है 930 किलोग्राम।
यानी कि 31 छात्रों का यदि हम योग ज्ञात करें औसत के द्वारा, तो 31 छात्रों का योग वजन आ जाता है 930 किलोग्राम। औसत कितना था 31 का? 30। तो योग कैसे ज्ञात कर लिया हमने? 30 को गुणा कर दिया 31 से, तो आ गया 930 किलोग्राम। अब सवाल कह रहा है कि यदि 31 छात्रों में एक अध्यापक का भार, यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर दिया जाए, तो औसत भार कितना हो जाता है? 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। यदि 31 छात्र तो पहले से थे और एक अध्यापक और शामिल कर लिया, तो अब कितने हो गए? 30 और एक 32। अब 32 हो गए छात्र अध्यापक सब मिलाकर, और उनका औसत भार कितना हो जाता है? 500 ग्राम बढ़ जाता है। यानी कि पहले 30 किलोग्राम औसत भार था, अब कितना हो गया? 30.5, 30.5 किलोग्राम औसत भार हो गया। कितना होगा? 32 का। तो अध्यापक को शामिल करने से कितने हो गए? 32 छात्र एवं अध्यापक का औसत भार ये हो गया 30.5, क्योंकि 500 ग्राम बढ़ गया था, तो ये हो गया 30.5, यानी कि 30.5 किलोग्राम। अब यदि इन 32 का औसत ज्ञात करें, तो 32 का औसत आ जाएगा 30.5 गुणा कितना करेंगे? 32, क्योंकि 32 है अब ये, तो ऐसा करने पर, गुणा करने पर आता है 976 किलोग्राम। ठीक है, अब हमसे पूछा है अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए कि अध्यापक का भार कितना है। तो देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहां पर केवल 31 छात्रों का योग है, 31 छात्रों के वजन का योग है कितना? 930 किलोग्राम। और यहां पर 32 का औसत है, 32 का योग है सॉरी, यानी कि छात्र 31 तो छात्र और 32 वहां क्या? टीचर। इनका वजन का योग है 976 किलोग्राम, यानी कि इसमें तो टीचर शामिल है, इसमें टीचर शामिल नहीं है। तो क्या करेंगे हम? जिसमें टीचर शामिल है उसमें से जिसमें टीचर शामिल नहीं है उसको आपस में क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो 976 में से घटा दो कितना? 930। तो यूं करके जो टीचर का वजन आ गया 46 किलोग्राम, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ऐसे हम इन सवालों को करेंगे। आगे देखते हैं और सवाल। इस सवाल में क्या पूछा गया है कि एक नाव के 10 नाविकों में से 56 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाने से औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो नए नाविक का भार कितना है? यानी कि उस नाव में 10 व्यक्ति सवार हैं और उन व्यक्ति में से एक व्यक्ति जो 56 किलो का है वो बाहर चला गया और उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ गया। यानी कि पहले 10 व्यक्ति थे, एक चला गया, 9 रह गए, और उसके स्थान पर फिर वापस एक व्यक्ति आ गया। यानी कि व्यक्ति कितने हो गए? 10 ही व्यक्ति थे पहले और 10 ही अब हैं, क्योंकि एक चला गया और एक वापस आ गया। लेकिन ऐसा होने से क्या हो गया? उनके औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो गई। 800 ग्राम की वृद्धि, औसत का मतलब प्रत्येक के भार में लगभग 800 ग्राम की वृद्धि हो गई, प्रत्येक के भार में। तो कितने व्यक्ति हैं? वो 10 व्यक्ति हैं, और प्रत्येक के भार में होता है 800 ग्राम की वृद्धि। तो कुल भार कितना हो जाएगा? जो वृद्धि हुई है कुल भार में वृद्धि ये हो जाएगी 800 गुणा 10, तो ये आ गया 8000 ग्राम। और 8000 ग्राम का मतलब होता है 8 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो 10 व्यक्ति थे, जैसे इस नाव में 10 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति बाहर चला गया, तो कितने व्यक्ति बच गए बताओ? 9। और जो व्यक्ति बाहर गया वो 56 किलोग्राम का था, लेकिन उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति आ गया। यदि 9 गए थे तब 9 हो गया, अब वापस आ गया व्यक्ति, तो कितना हो गया? 10 व्यक्ति हो गए, उसके स्थान पर नया व्यक्ति आ गया। तो टोटल 10 व्यक्ति हैं अभी भी, लेकिन हुआ क्या कि जो 56 किलो का व्यक्ति जो बाहर गया उसके स्थान पर वो दूसरा व्यक्ति आया, वो अधिक भारी होगा, इसीलिए तो प्रत्येक के औसत में 800 ग्राम की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। प्रत्येक के औसत का मतलब प्रत्येक के भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो गई। तो व्यक्ति कितने थे? 10। जब प्रत्येक के भार में 800 ग्राम की वृद्धि होती है, तो 10 नाविकों के भार में कितनी वृद्धि हो जाएगी? 800 ग्राम को किससे गुणा कर देंगे? 10 से, यानी कि 8000 ग्राम की वृद्धि हो गई उस नए व्यक्ति के आने से। तो 800 ग्राम का मतलब, 8000 ग्राम का मतलब कितनी वृद्धि होगी? 8 किलोग्राम। टोटल भार में वृद्धि हुई है 8 किलोग्राम। लेकिन वो जो व्यक्ति गया था वो कितने किलोग्राम का था? 56 किलोग्राम का। तो नए व्यक्ति का भार हो जाएगा, नए व्यक्ति का भार जो व्यक्ति गया था वो 56 किलोग्राम का हुआ था जो गया था। अब नए व्यक्ति के आ जाने से जो टोटल भार में वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है? 8 किलोग्राम की। तो इसमें 8 किलोग्राम और
जोड़ दो। इसका मतलब जो नया व्यक्ति आया है वो 64 किलोग्राम का आया है। इस प्रकार से सवाल होगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत सारे एग्जाम में ये देखने को मिलता है। इसमें क्या होते हैं, संख्याएं चेंज हो जाती हैं, लेकिन ये बार बार किसी नए चेहरे में हमारे सामने आता रहता है। तो दोस्तों ऐसे करेंगे सवाल को, अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों इस सवाल के बारे में देखते हैं, इस सवाल में क्या दिया गया है, किसी सप्ताह में सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान था 40 डिग्री सेंटीग्रेड। मंगलवार, बुधवार तथा गुरुवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेंटीग्रेड था। यदि गुरुवार का तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो सोमवार का तापमान कितना होगा। तो दोस्तों कैसे करेंगे इस सवाल को, सबसे पहले हमको दिया क्या गया है वो लिख लेते हैं। हमको दिया गया है मंडे यानी कि सोमवार, और ट्यूजडे मंगलवार, और वेडनेसडे बुधवार। इनका जो औसत तापमान है वो हमको दिया गया है 40 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान। अब यदि दोस्तों हमको औसत यदि किसी का दिया गया हो तो योग कैसे ज्ञात करते हैं, हम क्या करेंगे, औसत को यानी कितना दिया हुआ है 40, इसको गुणा कर देंगे जितनी संख्या है 1 2 3, तो 3 से गुणा कर दिया तो इनका जो योग आ गया टेम्परेचर का ये आ गया 120 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है दोस्तों, ये आ गया मंडे और ट्यूजडे और वेडनेसडे का योग 120 डिग्री। उसके बाद में हमें क्या दिया गया है दोस्तों, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, काम आएगा बाद में। उसके बाद में हमको दिया गया है मंगलवार यानी कि ट्यूजडे, बुधवार वेडनेसडे और गुरुवार थर्सडे। इनका जो हमको औसत दे रखा है वो औसत दे रखा है हमको 41 डिग्री सेंटीग्रेड। अब योग ज्ञात करना है तो इसको हम गुणा कर देंगे किससे, 41 डिग्री को 3 से, तो ये आ गया 123 डिग्री सेंटीग्रेड समीकरण नंबर 2। ये किसका योग आया, ट्यूजडे वेडनेसडे और थर्सडे का योग आ गया। अब क्या दिया है हमें, गुरुवार का तापमान यानी कि थर्सडे का तापमान अलग से हमको दे रखा है, ये हमको दे रखा है 38 डिग्री सेंटीग्रेड समीकरण नंबर 3। और लास्ट में हमसे क्या पूछा है कि सोमवार का तापमान कितना होगा, तो मैं रिपीट कर देता हूं दोस्तों। सबसे पहले हमको दे रखा है सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो औसत तापमान से हमने ज्ञात कर लिया इनका योग, सोमवार मंगलवार बुधवार का योग ज्ञात हो गया, 40 गुणा 3 कर दिया तो क्या आ गया 120 डिग्री। इसी प्रकार हमको क्या दिया गया है, मंगलवार बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान दे रखा है हमको 41 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी प्रकार हमने इन तीनों वारों का योग ज्ञात कर लिया तो कितना आया 41 गुणा 3 यानी कि 123 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद में क्या दिया गया हमको, गुरुवार का तापमान, गुरुवार तापमान कितना दिया हुआ है 38 डिग्री सेंटीग्रेड। हमको ज्ञात करना है सोमवार का तापमान कितना होगा। तो सबसे पहले हम काम करते हैं कि जो ये समीकरण नंबर 3 में गुरुवार का तापमान है उसको हम घटा देते हैं समीकरण नंबर 2 में से। जब गुरुवार के तापमान को हम समीकरण नंबर 2 में से घटा देंगे तो ये तो इसमें से घट जाएगा, क्या बचेगा बताओ, मंगलवार और बुधवार का तापमान हमारे पास बचेगा। जब मंगलवार और बुधवार का तापमान हमारे पास बचेगा तो मंगलवार और बुधवार को किसमें से घटा देंगे हम, पहले समीकरण में से। तो देखो ये रहा मंगलवार और बुधवार, तो क्या बचेगा हमारे पास, सोमवार का तापमान, ऐसे हम ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, देखो समीकरण 2 में से कितना घटा दो, 3। यदि आप समीकरण नंबर 2 में से 3 घटाएंगे तो देखो समीकरण नंबर 2 में थर्सडे है, गुरुवार है, और 3 में क्या है, गुरुवार, तो ये तो आपस में हट जाएगा। तो क्या बचेगा केवल देखो, इधर बचेगा ट्यूजडे प्लस वेडनेसडे, क्योंकि इसमें से हम कुछ घटा रहे हैं। वैसे भी देख लो इसमें क्या है, ट्यूजडे वेडनेसडे और थर्सडे, तो ये थर्सडे माइनस घटा देते हैं इसमें से थर्सडे, तो बराबर कितना आएगा, 123 में से हम घटा देंगे कितना, 38। तो देखो ये थर्सडे थर्सडे कट गया, क्या बच गया बताओ, ट्यूजडे प्लस वेडनेसडे, तो इसमें से हम घटाएंगे तो ये बचेगा 85 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें से सो घटाएंगे तो ये आ गया क्या, ट्यूजडे यानी कि मंगलवार और बुधवार का तापमान आ गया, इनका योग कितना आ गया 85 डिग्री सेंटीग्रेड समीकरण नंबर 4। अब आप देख रहे होंगे इसमें तो केवल क्या है, मंगलवार बुधवार है। समीकरण नंबर 1 में आप देखो सोमवार मंगलवार और बुधवार। अब यदि समीकरण 1 में से हम समीकरण नंबर 4 घटा देंगे यानी कि देखो ट्यूजडे
ट्यूजडे से ट्यूजडे कट जाएगा, वेडनेसडे से वेडनेसडे कट जाएगा, क्या बचेगा? केवल मंडे। तो इस प्रकार हम किसका तापमान ज्ञात कर सकते हैं? मंडे का। तो क्या करेंगे, समीकरण एक में से कितना कर देते हैं, समीकरण नंबर चार, इधर देखते हैं, समीकरण एक में से चार माइनस करने पर, समीकरण एक में से चार करेंगे हम, समीकरण एक में क्या है देखो, मंडे प्लस ट्यूजडे प्लस वेडनेसडे, इसमें से हम ये घटाएंगे तो माइनस ट्यूजडे माइनस वेडनेसडे बराबर यहां पे कितना है 120, और 120 में से कितना घटाएंगे 85। तो देखो वेडनेसडे से वेडनेसडे, ट्यूजडे से ट्यूजडे, क्या बच गया बताओ? मंडे। तो 120 में से 25 घटाओगे तो कितना बचेगा? 35 डिग्री। तो मंडे का तापमान कितना था दोस्तों? 35 डिग्री। ऐसे हम ज्ञात करेंगे इस सवाल को। इस सवाल में क्या कहा गया है देखो, तीन संख्याओं का औसत 28 है, तीन संख्याएं दे रखी हैं, उनका एवरेज दे रखा है 28, और कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मानते हैं देखो, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, जैसे जैसे सवाल कहते जाए वैसे वैसे करते जाओ। सबसे पहले कह रहा है तीनों संख्याओं का औसत 28 है, इसको बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, पहली जो संख्या है इस दूसरी संख्या की आधी है, तो मान लेता हूं मैं कि दूसरी संख्या मान लो एक्स है, तो पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की आधी है, तो इसकी आधी क्या हो जाएगी? एक्स बटे दो। आगे बढ़ते हैं, तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, ये तीसरी संख्या, ये दूसरी संख्या की दुगनी है, तो इसका दुगना क्या हो जाएगा बताओ? 2x। तो हो गया ये तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल में क्या दिया गया है कि इन तीन संख्याओं का औसत कितना है? 28। यदि इनका औसत निकालेंगे, तो औसत कैसे निकालते हैं? इन तीनों को जोड़ के तीन का क्या दे देंगे? भाग। तो इनका औसत हो जाएगा एक्स बटे दो प्लस एक्स प्लस 2x/3। ये औसत हमको दे रखा है कितना? 28। ठीक है, ये तीन का भाग लग रहा है, उधर क्या हो जाएगा? गुणा। तो 28 × 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 84, 84। इधर कितना बच गया? एक्स बटे दो प्लस एक्स प्लस 2x, यानी कि 2x और एक 3x, और 3x में एक्स बटे दो जोड़ेंगे तो आएगा 7x/2 = 84। ठीक है, हमको x का मान निकालना है फिलहाल, तो 7x बराबर आ जाएगा, 2 का भाग हो रहा है बराबर से, उधर क्या हो जाएगा? गुणा। 84 × 2 करेंगे तो आ जाएगा 168, 168। तो x बराबर आ जाएगा 168 में हम किसका भाग देंगे? 7 का, 7 × 2 = 14, 2 बचेगा 7 × 4 = 28, यानी कि x बराबर कितना आ गया? 24। तो x क्या है बताओ? दूसरी संख्या, ये आगे दूसरी संख्या, तो तीसरी संख्या हमने क्या मानी है बताओ? इसमें देख के 2x, तो 2x, 2 का मान, 2 की x कितना देते हैं? 24, तो तीसरी संख्या आ गई 48। ऐसे करेंगे हम इन सवालों को। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये Part 3 के सवालों के बारे में? आपकी राय जरूर देना, आपको कैसा लगा हमारा वीडियो? अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और कोई भी आपका सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें दोस्तों। तो इजाजत दीजिए, जय हिंद, जय भारत।